A very good morning all of you. Today this is the video for chapter 11, the selfish giant. As you all know that we have read this chapter already, right? I am going to give you a gist of this chapter, a quick summary or quick reading. Okay, so this is actually basically a story of a giant. Our character is giant who lives in a huge castle, bade mahal mein rehta tha. Okay, so he was a selfish giant on this earth. द मोस्ट सेल्फिश जाइंट ऑन दिस अर्थ, इस अर्थ का सबसे सेल्फिश मीन जो अपने बारे में ही सोचता है, दूसरों की हेल्प नहीं करता, कुछ शेयर नहीं करता, वैसा जाइंट था वो. ही नेवर शेयर्ड हिज थिंग्स, कभी शेयर नहीं की. हिज कैसल हैड अ ह्यूज गार्डन, उसके कैसल में बड़ा सा गार्डन था, लार्ज लवली गार्डन था, सॉफ्ट ग्रीन ग्रास थी वहाँ पर हर जगह. और उसमें क्या था, उस ग्रास पे बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर जो थे ब्लूम थे, ब्लॉसम थे. There were trees that bore rich fruits. काफ़ी सारे trees थे जिन पर fruits थे. Bird sat on the tree and sang so sweetly. और bird जो थे वो बैठते थे पेड़ पर और बहुत मीठा गाते थे. ठीक है. This giant had a friend. उसके giant का friend था. The giant's friend invited the selfish giant to his house. The selfish giant accepted the invitation and went to stay with him for a few months. अब एक बार उसके फ्रेंड जाइंट ने उसको इनवाइट किया, तुम मेरे घर आ करो, तो वो चला गया. उसकी इनविटेशन उसने एक्सेप्ट कर ली और उसके साथ रहने चला गया कुछ महीनों के लिए. सिंस द जाइंट वाज अवे द चिल्ड्रन यूज्ड टू गो एंड प्ले इन द जाइंट. अब क्योंकि जाइंट नहीं था कैसल में, तो बच्चे जाते थे उसके गार्डन में खेलते थे. वन डे द जाइंट केम बैक. अब कोई इंटीमेशन तो थी नहीं किसी को कि जाइंट वापस आ जाएगा. सडनली जो है जाइंट वापस आया. व्हेन ही अराइव्ड, जब वो पहुंचा उसने देखा, ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, कि बच्चे गार्डन में प्ले करें. व्हाट आर यू डूइंग हियर, ही क्राइड इन वेरी ग्रफ वॉइस एंड द चिल्ड्रन रैन अवे. वो एकदम ग्रफ मींस हार्श, जो आवाज होती है ना मोटी निकलती जब गुस्से में, हार्श आवाज में, लाउड एंड हार्श आवाज में उसने बोला, क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो. और बच्चे जो है रैन अवे, भाग गए वहां से. दिस इज माई गार्डन, ये मेरा गार्डन है, सेड द जायंट, एंड आई विल नॉट अलाउ एनी वदी टू प्ले इन इट. और मैं किसी को इसमें खेलने के लिए परमिशन नहीं देता, अलाउ नहीं करता. सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड. तो उसने क्या किया, इस गार्डन के चारों तरफ एक बड़ी सारी वॉल लगा दी, देखो, ठीक है, और एक नोटिस बोर्ड भी लगा दिया, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. इधर से आने जाने वालों को ट्रेसपासर मीन जो यहाँ से गुजरते हैं उनको कहते हैं, विल बी प्रोसिक्यूटेड, जो यहाँ उससे चार्ज लिया जाएगा, फाइन लिया जाएगा. मीन्स यहाँ आना अलाउड नहीं है किसी के लिए. क्यों कोई क्यों फाइन देगा ना, चार्ज क्यों देगा ऐसी आने जाने वाले रास्ते पे. तो उसने अपने वॉल लगाई गार्डन पे और बोर्ड भी लगा दिया कि जो आएगा उसे चार्ज लिया जाएगा, फाइन लिया जाएगा. द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले. बच्चों के पास कोई जगह नहीं थी खेलने की. दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड, बट द रोड वॉज वेरी डस्टी. उन्होंने रोड पर खेलने की ट्राई किया पर रोड डस्टी था एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स एंड दे डिड नॉट लाइक इट. हार्ड स्टोन से भी भरा हुआ था रोड पे, तो स्टोन्स होते हैं तो उन्हें पसंद नहीं आ रहा था. हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम कितने खुश थे. दे सेड टू ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे से कहा. द स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर ब्यूटीफुल फ्लावर्स. स्प्रिंग आया और सारे कंट्री में ब्यूटीफुल फ्लावर थे हर जगह. एंड लिटिल बर्ड्स ओनली इन द सेल्फिश जायंट्स गार्डन. हर जगह क्या थे, लिटिल बर्ड्स थे ब्यूटीफुल. स्प्रिंग में तो नए नए फ्लावर ब्लॉसम होते ना. ओनली इन द सेल्फिश जाइंट्स गार्डन, सेल्फिश जाइंट का गार्डन था जिसने बच्चों को अलाउ नहीं किया था अपने गार्डन में आने को. इट वॉज स्टिल विंटर, वहाँ अभी तक भी सर्दियाँ थी, स्प्रिंग नहीं आया था. द बर्ड डिडंट सिंग इन इट, पक्षी ने इसमें नहीं गाना गाए. नो फ्लावर्स ब्लूम, कोई फूल नहीं खिला. एवरी वन वॉज सैड. द ओनली पीपल हु वर प्लीज वर स्नो एंड फ्रो. सब दुखी थे, जो खुश था वो क्या था, स्नो और फ्रोस्ट. विंटर्स थी क्योंकि उस गार्डन में अभी तक तो बर्फ जमी हुई थी, और फ्रोस्ट क्या होती है, थिन सी लेयर होती है स्नो की ही, जो जम जाती है ऊपर. कभी आपने देखा हो अर्ली मॉर्निंग विंटर्स में उठे हो तो आपने देखा हो लीव्स पर भी कभी कभी जमा होती है, या एक्सक्यूज मी थिंग्स पर भी. स्नो कवर्ड द ग्रास विद हर बिग वाइट क्लोक एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द थ्री वाइट. अब क्या है, ऑल द ट्रीज वाइट. अब जो स्नो और फ्रोस्ट थी उन्होंने अपने सब जगह को कवर्ड किया हुआ था, ट्रीज को भी, और सारी चीजें वाइट लग रही थी. आई कैनॉट अंडरस्टैंड वाई स्प्रिंग इज सो लेट इन माई गार्डन. जाइंट जो था वो वरिड हो रहा था कि मेरे गार्डन में इतनी लेट स्नो, इतनी लेट स्प्रिंग क्यों है, अभी तक आई क्यों नहीं है.
सेल्फिश जाइंट एज ही सैट एट द विंडो एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, अपने बाहर के ठंडे सफेद गार्डन को देखते हुए बोला कि मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे गार्डन में स्प्रिंग इतनी लेट क्यों हो गई है। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर, मुझे पक्का होप है, मीन्स आशा है, यकीन है कि वेदर चेंज होगा, बट स्प्रिंग डिडंट कम, नहीं आया। देन ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट्स टू एवरी गार्डन, स्प्रिंग के बाद ऑटम भी आ गया बाकी सभी गार्डन्स में, उन्होंने गोल्डन फ्रूट्स दिए, मीन्स फूल पक गए और जो पत्ते हैं वो येलो होकर नीचे गिर गए, फूल आ गई, बट जाइंट के गार्डन में शी गेव ना कुछ भी नहीं हुआ था। वन मॉर्निंग जाइंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड, एक मॉर्निंग क्या हुआ, बेड में ऐसे ही लेटा हुआ था, जागा हुआ था बस बेड में लेटा हुआ था, जब उसने सुना कुछ लवली म्यूजिक, इट साउंडेड वेरी स्वीट टू हिज ईयर्स, उसकी आंखों कानों को बहुत प्यारा लगा वो म्यूजिक, अ बर्ड वॉज सिंगिंग इन हिज ब्यूटिफुल गार्डन, उसके ब्यूटिफुल गार्डन में बर्ड सिंग कर रहा था, इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंग इन हिज गार्डन, बहुत लंबा टाइम हो गया था क्योंकि ना स्प्रिंग आई ना ऑटम आई कि उसने किसी बर्ड को अपने गार्डन में सुना हो। आई बिलीव स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट, सेड सेड द जाइंट एज ही जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट, बाहर देखा कूदा और बेड से उसे लगा मुझे लगता है स्प्रिंग आ गई। व्हाट डिड ही, इसने क्या देखा, ही सॉ द मोस्ट वंडरफुल साइट, बहुत अच्छी साइट मीन्स नज़ारा, सबसे प्यारा मोस्ट वंडरफुल आश्चर्यचकित जो नज़ारा था, थ्रू मार्वलस नज़ारा, थ्रू अ लिटल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रैप्ड इन एंड दे वर सिटिंग ऑन द ब्रांचेज ऑफ द ट्री। अब क्या है, एक छोटा सा होल था किसमें, वॉल में, जिसमें से बच्चे जो है क्रैप्ड इन अंदर आ गए थे और वो क्या थे, बैठे थे ट्रीज की ब्रांचेस पर, हर ट्री पर ही कुड सी देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड, हर ट्री की ब्रांच पर कोई ना कोई बच्चा बैठा था, वो ट्रीज बहुत खुश थे कि बच्चे वापस आ गए, एंड दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद फ्लावर्स एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबाउट देयर हेड्स, बच्चों के सर पे जो ट्रीज थे वो झूल रहे थे नए नए पत्तों और फूलों से, उनके सर पर हाथ फेर रहे थे, द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, पक्षी जो थे उड़ रहे थे और ट्विटर कर रहे थे, ट्वीट ट्वीट होता है ना बर्ड की साउंड भी होती, साउंड निकाल रहे थे खुशी से, फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, फ्लावर्स जो है ग्रीन ग्रीन ग्रास के थ्रू देख रहे थे फ्लावर्स और हंस रहे थे। ये देखो ये सब क्या है, इसको कहते हैं परसोनिफिकेशन, सच में फ्लावर्स थोड़े ना हंसते हैं और देखते हैं, है ना, सच में जो है ट्रीज थोड़े ना हमारे सर पे हैंड वेव करते हैं, हैंड रब करते हैं, नहीं ना, बट वो नेचुरली जो करते हैं, जब हम किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को वो करेक्टरिस्टिक्स देते हैं जो ह्यूमन बीइंग की होती है, तो उसको कहते हैं परसोनीफाई करना, परसोनीफिकेशन, ठीक है। फ्लावर्स वर लुकिंग अप, देख रहे थे द ग्रीन ग्रास एंड लव, नॉन लिविंग या ये तो सब लिविंग है चलो जो ट्रीज और ये हैं, बट हम परसोनीफाई कर रहे हैं उनको, ठीक है, कि वो देख रहे थे और हंस रहे थे, क्या हमने लाफ करते देखा है ट्रीज को, नहीं ना, तो इस तरह से ह्यूमन क्वालिटीज दे देना थिंग्स को, वो क्या होता है परसोनीफाई करना, परसोनीफिकेशन, इट वाज अ लवली सीन, प्यारा सा सीन था, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग एंड लाफिंग, दे लुक सो हैप्पी, अच्छे खुश लग रहे थे, जाइंट का जो हार्ट था वो पिघल गया जब उसने बाहर देखा ना, हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, कितना सेल्फिश था मैं, ही सेड नाउ आई नो व्हाई स्प्रिंग वुडंट कम, यार मुझे पता चल गया स्प्रिंग यहाँ क्यों नहीं आई, I'll knock down the wall, मैं इस wall को गिरा दूंगा, my garden shall be the children's playground forever and ever, हमेशा हमेशा के लिए मेरा garden बच्चों के खेलने की जगह होगा, he was really very sorry for what he had done, so he broke the wall around his garden, he allowed the children to play in garden, soon his garden was filled with the laughter of children, तो उसने अपनी गलती को रियलाइज किया, उसको इम्प्रूव किया, वॉल को ब्रोक कर दिया, चिल्ड्रन को अलाउड किया कि आओ यहाँ खेलो, और जो उसका गार्डन था वो चिल्ड्रन की लाफ्टर से हंसी से भर गया था, एज ईयर्स वेंट बाय द जाइंट ग्रू ओल्ड एंड फीबल, जैसे जैसे ईयर पास होते गए जो जाइंट था वो ओल्ड हो गया और फीबल मीन्स वीक हो गया, ही कुड नो लॉन्गर प्ले विद चिल्ड्रन, वो बच्चों के साथ नहीं खेल सकता था, तो आर्म चेयर पे बैठता था एंड वॉच द चिल्ड्रन प्ले, सिंस देन स्प्रिंग नेवर फॉरगेट्स टू विजिट द जाइंट गार्डन, उसके बाद कभी भी स्प्रिंग ने उसके गार्डन का रास्ता नहीं भूला, हमेशा आती थी। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज हैप्पीनेस लाइज इन शेयरिंग एंड केयरिंग, व्हेन वी शेयर एंड केयर इट रियली गिव्स अस हैप्पीनेस, ठीक है। जब देखो उसने मना किया तो स्प्रिंग ही नहीं आई, जो गार्डन जिस वजह से ब्यूटीफुल था फ्लावर्स की वजह से, बर्ड्स की वजह से, वो आए नहीं उसके गार्डन में। जब उसने रियलाइज किया कि बच्चे स्प्रिंग को वापस लेके आए, तो उसने बच्चों के लिए वॉल ब्रेक कर दी और उनके साथ शेयर किया अपने गार्डन को, तब उसे ट्रू हैप्पीनेस भी मिली। तो
sharing is good, always good. Okay, sharing is care. So read this chapter. Thank you so much. Have a nice day.